नमस्ते, मेरा नाम है सुविज्ञेंदु सुत और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी वास्तु टिप्स जो आपकी सोसाइटी में फेम और रिकॉग्निशन बढ़ाने में मदद करेगी। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। श्री हनुमते नमः। फेम या फिर रिकॉग्निशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। शायद लोग पैसे आराम से कमा लेते हैं पर सोसाइटी में रिकॉग्निशन हर कोई नहीं कमा पाता। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है उनकी प्रोडक्ट की सेल्स। आपने देखा होगा एक मार्केट में कई सारे पर्सन एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कुछ कस्टमर्स सिर्फ उनकी दुकान पे ही जाते हैं, दूसरों की दुकान पे नहीं जाते। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है फेम या फिर रिकॉग्निशन। जब लोग आपको जानेंगे, आपकी गुडविल मार्केट में बनेगी, तभी लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। जो पर्सन जॉब करते हैं वो चाहते हैं कि उनके कामों के लिए उन्हें एप्रिसिएशन मिले। आखिर जब एक छोटा बच्चा कोई भी नई चीज़ सीखता है तो वो अपनी तारीफ सुनना चाहता है, एप्रिसिएशन सुनना चाहता है अपने पेरेंट्स से, तो हम क्यों नहीं। दो लोग जॉब कर रहे हैं सेम पैकेज पे, उसमें से एक व्यक्ति को तो उनके कामों के लिए एप्रिसिएशन मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। इसमें पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसे सेम ही कमा रहे हैं, पर एप्रिसिएशन एक पर्सन को तो मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे भी फिर सबसे बड़ा रीज़न आ जाता है फेम या फिर रिकॉग्निशन। आज मैं आपको इस वीडियो में फेंगशुई और वास्तु की मिक्स टिप्स बताऊंगा जो सोसाइटी में फेम और रिकॉग्निशन बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। जब भी हम फेम की बात करते हैं तो वो हम साउथ डायरेक्शन से देखते हैं। साउथ डायरेक्शन का एलिमेंट फायर है और साउथ डायरेक्शन का कलर है रेड। तो जब भी किसी के घर में या फिर ऑफिस में साउथ डायरेक्शन पीड़ित होती है तो आपको सोसाइटी में फेम या फिर रिकॉग्निशन नहीं मिलती, या फिर आपको डिफेमेशन मिलती है, यानी कि अपयश मिलता है सोसाइटी में। तो अब आप कैसे देखें कि आपके घर की या ऑफिस की साउथ डायरेक्शन पीड़ित है। उसमें से पहला है, अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन में बोरिंग है या फिर सेप्टिक टैंक है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया साउथ डायरेक्शन का एलिमेंट फायर है, तो अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन में बाथरूम है तो ये नेगेटिव है। तीसरा, अगर आपके घर में या ऑफिस में साउथ डायरेक्शन में टू मच ऑफ ब्लू कलर है, या फिर कोई वाटर बॉडी है जैसे कि एक्वेरियम, या फिर कोई वाटर बॉडी की पिक्चर है। फोर्थ, अगर आपके घर में या ऑफिस में नॉर्थ डायरेक्शन अप है और साउथ डायरेक्शन डाउन है। फिफ्थ, अगर आपके घर में या ऑफिस में साउथ डायरेक्शन कटी हुई है, तो अगर ये प्रॉब्लम है आपकी साउथ डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव है, आपको सोसाइटी में डिफेमेशन मिलती है या फिर रिकॉग्निशन आसानी से नहीं मिल पाती। तो अब आप अपने घर की या फिर ऑफिस की साउथ डायरेक्शन को कैसे पावर दे सकते हैं। उसमें से पहला है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन में बोरिंग है या फिर सेप्टिक टैंक है तो उसे वहाँ से सबसे पहले हटवा दे या फिर बंद करवा दे। दूसरा, आप अपने घर की या फिर ऑफिस की साउथ डायरेक्शन वाली वॉल पे रेड कलर का बल्ब जलाएं। तीसरा, आप अपने घर में या फिर ऑफिस में साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का यूज़ करें। ये याद रखें कि टू मच ऑफ रेड कलर भी आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ, आप अपने घर की या ऑफिस की साउथ डायरेक्शन में रेड कलर के फ्लावर्स भी रख सकते हैं। फिफ्थ रेमेडी, आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन में छत पे रेड कलर का फ्लैग भी लगा सकते हैं। तो अगर आप ये रेमेडीज करेंगे आपको सोसाइटी में फेम और रिकॉग्निशन आसानी से मिलेगी, आपको अपने वर्क में भी एप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन वास्तु टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।